सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए, मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा था। लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया। आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए, लेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश में आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना, पहली बार आदिवासियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया। जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एम भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय है, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ट्राइबल सब प्लान की बात का जिक्र किया था। मैं ऐसे साथियों का अनुरोध करता हूं कि जरा समय निकाल करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिए, जो बजट को अध्ययन कर सकता है, थोड़ा समझा सकता है, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजट में शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट फंड, इसके तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था, बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए। आज यहां आकर के गीत गा रहे हैं, हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है।
इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर स्टाफ इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने, मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले 2014 के पहले आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए। पिछले 7-8 वर्षों में हमने 7 लाख नए पट्टे दिए, यह अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे आने से पहले 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, 23,000। हमारे आने के बाद 80,000 से अधिक सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं। लिप सिंपथी बता करके आदिवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती और ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही और उसके कारण समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए, जो स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ले, ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था, उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेहड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। और आदरणीय सभापति जी, हमने इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, जो अपने हाथ से औजार की मदद से कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं, चाहे हमारा बंजारा समुदाय हो, चाहे हमारे गुमंद जाति के लोग हैं, हमने उनकी चिंता करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जिसके द्वारा हमने समाज के इन लोगों की मजबूती के लिए काम किया है, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किया।